अच्छा, कोई आम ग्राहक जो साइकिल लेने आता है तो उसको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आम ग्राहक जो साइकिल लेने आता है तो फीचर्स पे ध्यान दें, फीचर्स अच्छे हो। अच्छा हाँ, और रिम अगर एलॉय है जी जी तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, रिम में एलॉय है तो। हाँ, लोहे के रिम में क्या होता है, साइकिल थोड़ी चलाने में भारी होती है, एलॉय रिम में हल्की होती है। हल्की होती है। दोस्तों, दुकान का नाम है ओम साइन साइकिल एंड साइकिल, और शॉप के जो ओनर हैं ये है हमारे भाई घनश्याम खत्री जी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके सामने आया हूं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है वो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो देख के समझ गए होंगे। ये जो मैं बात करने वाला हूँ आज वो है साइकिल्स के बारे में। दोस्तों, साइकिल्स में जो शॉप होती हैं इनमें किस तरह की वैरायटीज़ आती हैं, किस किस तरह की साइकिल्स आती हैं, और आजकल ट्रेंडिंग में किस तरह की साइकिल्स चल रही हैं, और जो आजकल के बच्चे हैं जो छोटे से बड़े हो रहे हैं, जो 6 महीने के लिए हैं, 16 महीने के हो रहे हैं, 2 साल के हो रहे हैं, 5 साल के हो रहे हैं, तो किस किस तरह से ये जो साइकिल हैं उनकी एज के अनुसार चेंज होती जा रही हैं। तो आज साइकिल के बिज़नेस के बारे में बिल्कुल बारीकी से जानकारी लेंगे, और आइए आप लोग भी ज्वाइन कीजिए इस वीडियो को। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आया हूँ भैया की शॉप पर, और शॉप पर देख सकते हैं आप तरह तरह की साइकिल्स हैं। बच्चों की साइकिल्स भी हैं, बेबी साइकिल्स भी हैं, बड़ों की हैं, लड़कियों की हैं, बॉयज़ की हैं। तो दोस्तों, आज पूरी जानकारी हम भैया से लेंगे। और आसिफ खान, आसिफ खान, तो आज आप हमें क्या दिखाएंगे? मतलब आपके पास जो भी लेटेस्ट वैरायटी है, किस तरह, किस लेवल से स्टार्टिंग होती है? बड़ों में, छोटों में? बड़ों में आप सिंपल रेंजर लेंगे तो 4,000 रुपये से स्टार्टिंग है, 6,500 रुपये। दिखाइए जी जी। अच्छा, ये रेंजर साइकिल है? ये रेंजर साइकिल 4,000 रुपये। अच्छा, ये 4,000 रुपये से शुरू हो जाती है? 4,000 रुपये से चालू है, 4,000, 5,000, 5,500, जीरो में लेते हैं 6,000। बाकी इसके अलावा आजकल लेटेस्ट है बच्चों की स्पोर्ट्स साइकिल, स्पोर्ट्स साइकिल आप लेते हैं स्पोर्ट साइकिल 6,000 रुपये से चालू है। अच्छा, इन साइकिल में फ़र्क क्या होता है? 4,000 वाली साइकिल में और 8,000-10,000 वाली साइकिल में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? रिम एलॉय रहता है और चलाने में हल्की रहती है, डबल वॉल रिम रहता है, पावर ब्रेक सिस्टम आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और वेट भी हल्का होता है चलाने वेट में, लाइट वेट में। सबसे महंगी साइकिल कौन सी है अपने यहाँ? सबसे महंगी साइकिल आपको हीरो की मॉन्ग मिल जाएगी। देखें, इस साइकिल की कीमत क्या है? जाएगी 14,000। दोस्तों, सबसे महंगी साइकिल भैया की यहाँ वाली है हीरो की माउंट। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? अच्छा, कंपनी जो है साइकिल बेचने के बाद गारंटी क्या देती है, वारंटी क्या देती है? 6 की गारंटी। अच्छा, 6 की गारंटी देती है बस, और कुछ गारंटी देती? बाकी चिमटा वगैरह, हैंडल वगैरह ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, फ्रेम एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में नहीं मिलती। अच्छा अच्छी, इसलिए कंपनी फ्रेम की ही गारंटी देती है। अच्छा, कोई आम ग्राहक जो साइकिल लेने आता है तो उसको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आम ग्राहक जो साइकिल लेने आता है तो फीचर्स पे ध्यान दें, फीचर्स अच्छे हो। अच्छा हाँ, और रिम अगर एलॉय है जी जी तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, रिम एलॉय है तो। हाँ, लोहे के रिम में क्या होता है, साइकिल थोड़ी चलाने में भारी होती है, एलॉय रिम में हल्की होती है। हल्की होती है। अच्छा, और जो आजकल बच्चे हैं, मम्मा आपसे जिद करते हैं मुझे साइकिल चाहिए, तो बच्चों की साइकिल में क्या दिखाएंगे आप? बच्चों की साइकिल, बच्चों को भी स्पोर्ट्स ही पसंद आती है तो उनकी रेंज, स्टार्टिंग रेंज क्या होती है? मैं स्पोर्ट्स में हमारे पास स्टार्टिंग रेंज आपको 3,000 रुपये से। अच्छा, 3,000 से शुरू हो जाएगी। दिखाई बच्चों की साइकिल कौन सी? मैं आपको इस टाइप का मॉडल आता है। अच्छा, ये जो साइकिल देख रहे हैं दोस्तों आप, ये 3,000 रुपये का है, और ये इसकी एज क्या होगी बच्चे की? सब 8 साल के बच्चे का साइकिल। अच्छा, 8 साल का बच्चा इसके आराम कर सकता है। और ये जो साइकिल हम देख रहे हैं ये 18 महीने के बच्चे का है। अच्छा, 18 महीने का बच्चा। मतलब बच्चा बड़ा होता जाएगा, साइकिल की साइज चेंज होते जाएगी, चेंज होती जाएगी, और रेट भी बदलते जाएंगे, रेट भी बदलते जाएंगे, और एक वैरायटी नहीं होती, बहुत वैरायटी होती है, मतलब काफ़ी वैरायटी होती है। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप साइकिल में कितनी सारी वैरायटी हैं, और हर उम्र के बच्चे के लिए अलग साइकिल है, और साइकिल में भी काफ़ी वैरायटीज़ हैं। कुछ बताया भैया ने, एलॉय व्हील्स अलग आती हैं, और जैसे कोई इस बिजनेस में उतरता है, काफ़ी सारे लोग बेरोजगार होते हैं, कई लोग अपना काम ढूंढते हैं, तो जैसे कोई मान लीजिए अपना वीडियो देख के किसी को आइडिया आता है, वो इस बिज़नेस को करना चाहता है, तो उसके लिए क्या सावधानी रखना चाहिए? उसके लिए ये है कि जो मतलब इस चीज़ को मतलब मेंटेनेंस को समझ सकता है, मतलब साइकिल की जो रिपेयरिंग सिस्टम जो है वो समझ सकता है, वही कर सकता है।
बाकी आम के तो अगर आपको प्रॉपर जानकारी है तो ही आप इस फील्ड में आने के लिए सलाह देंगे लोगों को, अन्यथा नहीं। अच्छा, आजकल जो लोग कोरोना के बाद अपडेट हो गए हैं, अपनी सेहत के लिए अब जागरूक हो गए हैं, तो कुछ साइकिल में फ़र्क पड़ा है उनकी हैबिट में ख़रीदने में? बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क? चलाने से अपने जो पैरों का प्रॉब्लम है सबसे बड़े, पैरों का प्रॉब्लम नहीं है। साइकिल से चलने वाला कभी भी टेका लेके नहीं चले। अच्छा, तो साइकिल अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी मतलब यूज़फुल भी है। अच्छा, लोगों में देखा गया है कि वो गाड़ी से उतर के साइकिल पे आ गए हों, कुछ आपने ऐसा देखा, परिवर्तन देखा आपने? नहीं, बहुत से लोगों को देखा, जिम बंद हुई तो साइकिल पे ही आए लोग। जिम बंद होने के बाद एकदम साइकिल का ट्रेंड आ गया। हाँ, जिम अभी वो बंद है ना, तो लोग साइकिल पे ही आए। अब पेट्रोल वगैरह बढ़ रहा है तो लोग ऑफिस वगैरह जाना पसंद करते साइकिल। तो आप 5-6 साइकिल डेली बेच लेते हैं? बेच लेते हैं। और क्या सलाह देना चाहेंगे जो भी कोई साइकिल लेने वाला हो या बच्चे गिफ्ट कर जिद करते हैं माँ बाप से, छोटे बच्चे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे किस तरह की साइकिल लेना चाहिए? बच्चों को ऐसा है कि आजकल बच्चों को मतलब लेटेस्ट साइकिल चाहिए, जैसे पावर ब्रेक है, टायर पैड होना चाहिए और मतलब स्पोर्ट पैटर्न होना चाहिए, बहुत ही चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक साइकिल जो आजकल चल रही है उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में, अब इलेक्ट्रिक साइकिल ऐसा है कि अपने को नहीं चलाना, मतलब घाटियों के हिसाब से ठीक है, भोपाल की घाटियों के हिसाब से इलेक्ट्रिक साइकिल ठीक है। अरे, शहर के हिसाब से सही, अगर आपके शहर पहाड़ी इलाके में नहीं है तो इलेक्ट्रिक साइकिल आप ले सकते हैं, बाकी नहीं तो अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में हैं तो ये आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना? उनकी क्या है कि स्पीड सीमित रहती है, पावर सीमित रहता है, पावर सीमित रहता है। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए, भैया की शॉप विजिट करी, आपको दिखाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिली होगी साइकिल के बिजनेस के बारे में। बिजनेस पर्पज से देखा जाए तो इस पर कितना इन्वेस्टमेंट आता है इस काम को स्टार्ट करने में, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है साइकिल पर? मैक्सिमम ये मान के चलिए 10 लाख रुपये स्टार्टिंग स्टॉक, मतलब अपने को चाहिए रेंज मिला, जैसे अपन रेंज पूरे मिला रहे हैं तो कम से कम 10 लाख रुपये अपना प्रॉफिट, ये मान के चलिए 10-20% 10-20% का प्रॉफिट इस बिजनेस में होता है दोस्तों। अच्छा, ये साइकिल जो है इसका भी कुछ विशेष मौसम होता है क्या, या कोई त्यौहारों में बिकती है, ऐसा कुछ रहता है क्या? ऐसा कुछ नहीं, आजकल तो बर्थडे पे ट्रेड चल रहा है, मतलब 12 ही महीने बिक रही है, और बच्चे की जो पहला बर्थडे है या पहली जिद है वो साइकिल पे ही पूरी होती है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसकी साइकिलें चेंज होती जाएंगी। तो आपके पास बच्चे से लेकर बड़ों तक सारी साइकिलें हैं, और जो बच्चों के खिलौने देख रहा हूँ, ये खिलौने क्या, ये झूले वगैरह हैं क्या? ये झूले हैं, वॉकर हैं। अच्छा, झूले भी हैं, वॉकर भी हैं, मतलब एक न्यूबॉर्न बेबी से लेकर बड़े तक सबकी साइकिल आपके पास है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ आपने देखा है इसमें। फिर भी कोई माइंड में क्वेश्चन है, कोई समाधान चाहते हैं, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद भैया।